तो कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर पोड़ी विकास खंड के ग्राम आमा टिकरा के ग्रामीण हाथियों के हमले से इतने खौफजदा है कि हाथियों के खौफ से पूरी रात एक छत पर गुजारनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का समूह इनके मकान को तोड़कर घर में रखे अनाज को चट कर जाते हैं। वन अमले के द्वारा भी इन ग्रामीणों को हाथियों से बचाव के लिए किसी प्रकार का संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया है। हालांकि कटघोरा डीएफओ और कलेक्टर के बीच बैठक कर समीक्षा की जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या स्थिति हाथी के यहाँ? हाथी के खूब परेशान। का का नुकसान पहुंचा थे? सब खेती लखा थे। हमें तो झटका तार तो बांच थे, लेकिन दूसर का पूरा खा थे रहे मन सब मन। कब धान मन लहू, खरही मन लहू, सब लखा थे। अभी कहाँ है हाथी? अभी पहाड़े सुबेरे इतने चरत रही तब चढ़ी ने। कतका डर रही थे हाथी के? कतका डर रही थे हाथी के तुम्हन ला? बहुत डर रहे थे। अच्छा, वन विभाग वाला मन आते कि नहीं आए? आते आते, कोई दिन आते नहीं तो नहीं आते। का का व्यवस्था दे जाते तुमन ला, या फिर का का करते हो मन हाथी वाले मन आते था? का करी, उल्टा गाली देते कुदैया मन ला, मारते, मार दही तनको हाथी ला तो उल्टा गाली देते। और का का तुमन ला कुछ साधन दे हाथी ले बचे बर? का साधन दी? कुछ तो साधन अभी नहीं दी, छोटा छोटा लाइट दे रही तब तो खत्म इसने बीटरी वाला। तो तुमन का उपयोग करता हाथी ले बचे बर? एमिर आर झट ओ लाइट और खुजली वाला लाइट रखे रथन। अच्छा जी हाँ, जैसे कि भबकी वो आग जलाथन आइल में और भबकी ला जलाथन था वो भाग थी। जी हाँ, जैसे कि देखा आपने ग्रामीण जो है काफी दहशत में रहते हैं हाथियों की वजह से, और इनका कहना कि वन विभाग की टीम तो आती है लेकिन किसी तरह की इनको सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। जी आप देख सकते हैं अभी रात होने को है और जो ग्रामीण है आग अपने घर के बाहर जला चुके हैं जिसके द्वारा वो हाथी को यहाँ से भगा सकें। हालांकि कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले कलेक्टर और कटघोरा डीएफओ की समीक्षक बैठक रखी गई थी जिसमें हाई टेक्नोलॉजी उपयोग करके हाथी और मानव द्वंद जो हो रहा है उसे रोकने की बात कही गई है। अब देखना होगा यह कितना कारगर साबित होता है। सहयोगी कमलेश तिवारी के साथ समीर गुप्ता, रफ्तार मीडिया, कोरबा।